संघर्ष के रास्ते जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल बगिया मोटिवेशनल स्पीकर बिजनेस कोच स्वागत करता हूं आपका। और आज बात करूंगा मेरे सबसे फेवरेट टॉपिक टीम डेवलपमेंट के बारे में। आजकल हर कोई प्राइवेट या सरकारी दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति, काम करने वाला एम्प्लॉय अपने बॉस या अपने मैनेजर को पसंद नहीं करता। बॉस या अपने मैनेजर के सामने तो बहुत मीठी मीठी बातें करता है, बहुत उसके सामने जो है वो मक्खन लगाता है, पर जैसे ही मैनेजर जाता है उसके पीछे उसको इतनी गालियां देता है, भर भर के गालियां देता है कि उस बेचारे मैनेजर को रात को जो है वो हिचकी शुरू हो जाती है। हम सभी लोग कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बातें तो करते रहते हैं, हमें यह भी पता है कि कस्टमर जो है वो हमारा भगवान है, इसलिए हमें उसकी हर तरीके से खातिरदारी करनी चाहिए। पर क्या हमने कभी यह सोचा कि जो लोग उस कस्टमर को हमारे यहां ले आते हैं, यानी कि हमारे टीम मेंबर्स, हमारे एम्प्लॉय, उसको खुश करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी मैनेजर या कोई भी बॉस ये नहीं सोचता कि मैं ऐसा क्या करूं कि जिनसे मेरी टीम जो है वो भी संतुष्ट रहे, जिनसे मेरे टीम मेंबर जो है वो भी मुझसे खुश रहे। अगर आप किसी भी कंपनी के मालिक है, या फिर आप किसी भी कंपनी में अच्छी पोजीशन पर मैनेजर है, या फिर आप किसी भी कंपनी में टीम लीडर है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज ऐसे जबरदस्त 5 फॉर्मूला दूंगा जिनसे आपकी कंपनी भी ग्रो करेगी, आपकी कंपनी में जो टीम मेंबर्स है सभी, आपके जो एम्प्लॉयज है वो भी आपसे खुश रहेंगे, वो भी आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे, एज वेल एज ए इंडिविजुअल आपका मान और आपका सम्मान भी बढ़ेगा आपकी कंपनी के अंदर। और सब लोग आपके जो एम्प्लॉयज है बाहर मार्केट में ऐसे ही बातें करेंगे कि बॉस मैनेजर या टीम लीडर हो तो मेरी कंपनी जैसा। अगर आप किसी भी कंपनी के ओनर, किसी भी कंपनी के मैनेजर या फिर टीम लीडर है, तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो है क्रिएट ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट अमोंग योर टीम मेंबर। क्या हुआ इसका मतलब? वो कहते हैं ना कि जहां पर विश्वास है वहां पर सबूत की जरूरत नहीं होती। आखिर गीता पर भी कहां श्री कृष्ण के दस्तखत है, हैं? तो अगर आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाना है, अगर आपको आपकी टीम को जो है वो आगे ले जाना है, तो सबसे पहले आपको आपकी टीम में एक ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट जो है वो खड़ा करना पड़ेगा। अगर आपका आपकी टीम पर या फिर आपकी टीम का जो है वो आप पर कोई विश्वास नहीं होगा, तो ऐसी कंपनी, ऐसा बॉस, ऐसा मैनेजर या फिर ऐसा टीम लीडर जो है उसका पन्ना कभी भी कट सकता है। इसलिए सबसे पहली बात कि आपकी कंपनी में, आपकी टीम में जो है वो टांग खिंचाई नहीं होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। यहां पर मैं फिर से बोल रहा हूं कि भाई आपकी टीम में टांग खिंचाई नहीं, ट्रस्ट होना चाहिए। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला, दूसरा मंत्र जो आपको याद रखना है वो ये है कि भाई डू नॉट स्कोल्ड योर एम्प्लॉय, डू नॉट स्कोल्ड योर टीम मेंबर ऑन द पर्सनल लेवल। क्या हुआ इसका मतलब? अगर मान लीजिए आपकी कंपनी में किसी एम्प्लॉय ने या फिर आपके किसी टीम मेंबर ने कोई गलती कर दी है, उनसे कोई मिस्टेक हो चुकी है कोई भी काम में, और अगर आपको उसको डांटना है तो कभी भी पर्सनल कमेंट मत कीजिए। उसे कभी यह मत बोलिए कि भाई तू तो गवार का गवार है, तुझसे यह काम कभी नहीं हो सकता, तू मेरा काम डुबोएगा, तू मेरा नाम डुबोएगा पूरे मार्केट के अंदर, अगर तुझे काम करना नहीं आता तो घर पर बैठ, यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे शब्द उसके सामने उपयोग मत करिए। ऐसे शब्द जो अगर कोई और किसी टीम मेंबर ने सुन लिए, अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने सुन लिए, तो आपकी टीम जो है पूरी तरह से वो अंदर से खोखली हो जाएगी और आपकी पूरी टीम जो है वो डीमोरलाइज हो जाएगी। अगर आपको उसे डांटना ही है तो कुछ मीठे शब्दों में डांटिए। उसे ऐसा कहिए कि भाई देखो तुमसे गलती हुई है, वो तुम्हें भी पता है और वो मुझे भी पता है, पर देखो मुझे ये लगता है कि तुमने ये गलती जो है वो जानबूझकर नहीं की। मैं जो है तुम्हारे वर्क और तुम्हारे एक्सपीरियंस की जो है वो कद्र करता हूं, इसलिए मेरा तुम पर बहुत ज्यादा विश्वास है, मेरी तुम पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, इसलिए ऐसी गलती भविष्य में कभी भी मत दोहराइएगा। ऐसे शब्द सुनते ही वो जो आपका टीम मेंबर है, वो जो आपका एम्प्लॉय है, वो पूरी तरह से पिघल जाएगा। उसे ये लगेगा कि मेरे बॉस का, मेरे मैनेजर का मुझ पर कितना ट्रस्ट है, मुझ पर कितना विश्वास है, और ऐसी गलती मैं कैसे कर सकता हूं। उसको उसकी गलती का एहसास भी होगा और वो भविष्य में ऐसी कोई भी गलती दोहराएगा भी नहीं। इसलिए कभी भी अपने एम्प्लॉयज को पर्सनल लेवल पर मत डांटिए, उस पर थोड़ा ट्रस्ट दिखाइए, उस पर थोड़ा विश्वास दिखाइए और बातों ही बातों में कह दीजिए कि तुमसे गलती भाई हुई है। तीसरी बात जो आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई अलाउ एवरीवन टू स्पीक इन द मीटिंग। अच्छा, आप देखिए सबसे ज्यादा मैनेजर और सबसे ज्यादा टीम लीडर जो है वो यहीं पर ही गलती कर बैठते हैं। जैसे ही कोई मीटिंग शुरू नहीं हुई कि तुरंत ही खुद ही बोलने लगते हैं, किसी और अपने टीम मेंबर को बोलने का कोई चांस ही नहीं देते। जैसे ही अपना टीम मेंबर अपनी कुछ बात रखने की कोशिश करता है, मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स, मोस्ट ऑफ द टीम लीडर्स जो है उसकी बात को वहां पर ही काट डालते हैं। ऐसी गलती भूलकर भी मत करना। और अब एक रहस्य की बात बताऊं,
अगर आपने अपने किसी भी टीम मेंबर को अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया, मीटिंग में बोलने का चांस नहीं दिया, तो आपके सभी टीम मेंबर्स जो है वो आपकी बात सुनेंगे जरूर, पर आपकी कोई भी बात मानेंगे नहीं। क्या? जी हाँ, वो सभी लोग आपकी बात मानेंगे नहीं, सुनेंगे, सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे। मेरे दोस्त, जैसे ही आप जो है मीटिंग में आएंगे, वो सब लोग ऐसे ही बातें करने लगेंगे कि भाई ये तो आया, कुत्ता आया, कुत्ता आया, कुत्ता आया, अब जो है वो भौं भौं करके भौंक के चला जाएगा। इसलिए इसकी बात सुननी है, सिर्फ माननी नहीं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से जो हो निकाल दो। क्या आप मैनेजर होके, क्या आप टीम लीडर होके अपनी टीम के सामने कुत्ते जैसा लगना चाहते हो? नहीं मेरे दोस्त। इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक अपने टीम मेंबर को अपनी बात रखने का इक्वल मौका दीजिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए। चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई बी वेयर फ्रॉम बटरिंग। क्या हुआ इसका मतलब? आजकल सभी कॉरपोरेट में ये फैशन चल पड़ी है कि अगर आपको कम समय में प्रमोशन चाहिए, अगर आपको कम समय में जो है वो अच्छी पोजिशन पर पहुंचना है अपनी कंपनी में, तो सबसे ज्यादा लोग जो है वो अपने मैनेजर या अपने बॉस को जो है वो मक्खन लगाना शुरू कर देते हैं। उसके सामने ऐसी मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि मैनेजर या बॉस को या टीम लीडर को तो सिर्फ ऐसा ही लगता है कि मेरा ये बंदा ही काम कर रहा है, बाकी के बंदे तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। हे कम ऑन, वन मोर टाइम, अगर आप अपनी मैनेजर या टीम लीडर की पोजीशन बचाना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। अगर आपकी टीम में ऐसे जो है मेंबर्स है तो उनसे संभल जाइएगा। ऐसे जो लोग होते हैं वो मीठी मीठी बातें तो करेंगे पर आपकी टीम में इतनी कड़वाहट भर देंगे कि उसके छींटे जो है वो आप पर लगेंगे, आपका मार्केट में नाम जो है वो खराब होगा। इसीलिए अगर आप मैनेजर या टीम लीडर है तो ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको मक्खन लगाते हैं, उन्हीं लोगों का साथ दीजिए जो एक्चुअल में काम करते हैं। पांचवी बात जो आप सभी लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि भाई देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियलिटी इन योर टीम मेंबर। क्या हुआ इसका मतलब? देखिए भाई, आपको जो है वो मैनेजर की पोजीशन पर बिठाया गया है, आपको जो है वो टीम लीडर बनाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपकी टीम में पार्शियलिटी जनरेट करनी है। आपके लिए आपका कोई भी सदस्य जो है, आपका कोई भी टीम मेंबर जो है वो फेवरेट नहीं होना चाहिए, कोई भी अनफेवरेट नहीं होना चाहिए। आपके लिए आपके सभी मेंबर, चाहे वो कोई भी बड़ा इंटेलिजेंट हो या चाहे जो है वो थोड़ा इंटेलिजेंट हो, पर आपके लिए सभी लोग जो है वो एक समान ही होने चाहिए, इक्वल ही होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने किसी को फेवरेट बना लिया और अगर किसी को पता चल गया आपके टीम मेंबर में, तो सब जो है वो बातें करने लगेंगे कि भाई बॉस या मैनेजर का वो बंदा जो है वही उसका फेवरेट है, इसलिए हम जितना भी काम करेंगे उसको वो दिखेगा ही नहीं, और वो जो फेवरेट बंदा है उसका, वो थोड़ा सा भी काम अगर करेगा तो वो मैनेजर या बॉस को दिखेगा। इसलिए ये सभी चीजें आपका पार्शियलिटी लेवल आपके एम्प्लॉयज की ओर, वो आपकी मार्केट में रेप्यूटेशन जो है वो खराब कर सकता है। इसीलिए देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियलिटी लेवल अमोंग योर टीम मेंबर। तो ये थे ऐसे पांच सूत्र, पांच उपाय जिनसे आप जो है कम समय में एक अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपने टीम मेंबर का ट्रस्ट जो है वो भी जीत सकते हैं। फैला दीजिए इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप सर्कल में, जिनसे उन सभी लोगों को भी पता चले कि भाई टीम लीडर, मैनेजर या बॉस अगर वो सभी लोग है तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका और आपके परिवार का ख्याल रखिएगा, इस लर्निंग पर यहां पर जो है वो फोकस कीजिएगा, यहां पर ध्यान रखिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इनको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी शेयर करना मत भूलना। मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश एंड ऑलवेज बी मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू सून, बाय बाय।